हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम के प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। आज का वीडियो एमसीक्यू 3 से रिलेटेड है, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है एमकॉम का। एमकॉम में जो सेकंड ईयर में है उनके लिए ये पेपर है, और एमकॉम में जो सेकंड थर्ड सेमेस्टर में है उनके लिए भी ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों जगह पे है। एमकॉम ओल्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एमकॉम न्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, अगर आपको नोट्स चाहिए नोट्स मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ। नोट्स की कीमत सिर्फ 200 रुपीज पर पेपर है, पर अगर आप चार नोट्स मिनिमम एक साथ लेते हैं, चार या उससे ज्यादा अगर नोट्स अगर आप लेते हैं, तो वो सिर्फ आपको 150 रुपीज पर पेपर पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। और इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आंसर्स भी प्रोवाइड करता हुआ चलूंगा, ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना हो। ऐसे स्टूडेंट जो कि नोट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए मैं आंसर फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, तो इससे काफी ज्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी। दूसरी बात, अगर आपने हमारे ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही नॉमिनल सा फी है, 30 रुपीज पर मंथ। वो भी जरूरी नहीं है कि आप हर महीने देंगे, बट अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, कॉन्टिन्यूस अगर आप बने रहते हैं, तो उसके ढेर सारे फायदे हैं। आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं, ऑन डिमांड लेक्चर्स मिलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं वो मैं शेयर करता हूँ, जो क्लासेस ऑनलाइन होती हैं उसके जो पीडीएफ्स होते हैं वो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। कोई एक्स्ट्रा पेमेंट आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी बात तो वहाँ पे असाइनमेंट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस जो है नहीं रखा गया है। एंड देयर आर मेनी बेनिफिट्स, आप ऑन डिमांड लेक्चर्स कर सकते हैं। आप कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, उसके ऊपर आपको कोई वीडियो चाहिए, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा सकता हूँ। सो देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स जो कि आपको मिलेंगे अगर आप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो, ठीक है। इसके अलावा मैं अपने वेबसाइट पे भी यूनिट वाइज क्वेश्चन आंसर्स में कोशिश करूंगा कि आपकी फाइनल एग्जाम से पहले, यानी MCO1 का जो पेपर है 12 तारीख को है, 12 जून से स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले मैं अपने वेबसाइट पे अपडेट कर दूंगा यूनिट वाइज जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे, वो काफी हेल्पफुल होगा और उसके थ्रू भी आप स्टडी कर पाएंगे। बट वो अभी नहीं है, अभी उसके ऊपर काम चल रहा है। आई होप कि हम लोग उसको लाइव कर देंगे 12 जून से पहले, ठीक है। हमें आप विश कर सकते हैं ऑल द बेस्ट, एंड हम भी आपको विश करना चाहेंगे एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट। और घबराइएगा नहीं, एग्जाम उतना ज्यादा टफ नहीं होता है, बस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, छोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। कोई भी पेपर चाहे कितना ही टफ क्यों ना हो, कोई भी क्वेश्चन कितना ही टफ क्यों ना हो, उसको छोड़िएगा मत। जो हो सके आप लिख करके आइए, जितना आपको आता है आप उतना लिख करके आइए, छोड़ के आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो छोड़ना कभी नहीं है, जितने भी आपको आते हैं आप उसको लिख करके आओ, ठीक है, या ज्यादा लिख करके आओ। अगर 5 क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जा रहा है, आप 6 बना करके आओ तो बेस्ट होता है वो, ठीक है ना। तो ये चीजें आप कर सकते हो, मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर जो है वो दिख जाएगा, ठीक है। सो वॉच थ्रू आउट दिस वीडियो, एंड कुछ टाइम बाद मैं डूज एंड डोंट्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अगला वीडियो हमारा डूज एंड डोंट्स के ऊपर होगा, कि आपने क्या करना है एग्जामिनेशन में, क्या नहीं करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, ताकि आप खुद को अच्छे मार्क्स आप ला सके। ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसको देखते रहिए, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरे क्वेश्चन आंसर दिखे।